इंडिया वेस्ट इंडीज मेंस होंगे आमने सामने ओडीआई श्रृंखला के लिए। ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स आयरलैंड के दौरे पर है और यह श्रृंखला जो इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच शुरू होने वाली है, हो गई 3 मैचों की, उससे सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा, इंडिया को, वेस्ट इंडीज को, कैसे, सबको जानेंगे यहीं पे डिफरेंट स्ट्रोक्स में। स्वागत है आपका डिफरेंट स्ट्रोक्स के अंदर और मेंस का टाइम है खेलने का, क्योंकि अभी इंडिया वुमेन बांग्लादेश के दौरे से वापस आ चुकी है। बहुत कुछ घटा वो हम बात कर चुके हैं, जिन्होंने नहीं देखा वो पहले वीडियोस देख लें डिफरेंट स्ट्रोक्स के, वहां पर सब पता चलेगा। क्योंकि अब हम बात करेंगे इंडिया और वेस्ट इंडीज मेन्स क्रिकेट श्रृंखला की। चलिए, अब श्रृंखला तो 3 मैचों की शुरू होने वाली है, लेकिन वेस्ट इंडीज के सामने क्या चुनौती है? विश्व कप के लिए तो वो क्वालिफाई करे नहीं है, क्वालिफायर्स जो मौका था वहां पर वो हार गए, तो ये श्रृंखला उनके लिए कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट है ये जरूर बात है, शे होप कप्तान होंगे ये जरूर बात है, लेकिन पॉइंट्स के नजरिए से ये मायने बिल्कुल नहीं रखती वेस्ट इंडीज के लिए। इंडिया के लिए ये श्रृंखला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विश्व कप बहुत जल्द भारत के अंदर खेला जाएगा, तो ये जरूर कह सकते हैं कि यहाँ से भारतीय टीम चाहेगी अपने बेस्ट प्लेयर्स को पिक करना, चूज करना, सिलेक्ट करना, लेकिन वो सब बहुत दूर है। पहले इस श्रृंखला की बात करते हैं, पहले इंडियन टीम के स्क्वाड पर नजर डालते हैं, क्योंकि अच्छा खासा लंबा स्क्वाड है और बहुत सारे ऑप्शंस हैं चूज करने के लिए। जो नहीं है, जैसे केएल राहुल है, ऋषभ पंत है, जसप्रीत बुमराह, श्रेयस अय्यर, उनकी बात बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि उनके लिए अच्छी चीज है कि वो अब रिकवरी पर है, ऐसा सुना है, बीसीसीआई ने बताया है, विच इज अ ग्रेट न्यूज। पर क्या इन टाइम वर्ल्ड कप के लिए रेडी हो पाएंगे, वो वर्ल्ड कप से पहले बात करेंगे। पर इतना अच्छा जो स्क्वाड है ना, इसके अंदर से भारतीय टीम के पास ये जरूर है कि आप जो पोजीशन के प्लेयर्स हैं वो पिक कर सकते हैं। मेरे भारतीय 11 कौन से होंगे वो भी बताती हूँ, लेकिन भारतीय टीम इस श्रृंखला से क्या देखना चाहती है वो ये है कि क्या ईशान किशन, संजू सैमसन दोनों इस 11 में फिट हो सकते हैं या नहीं, मुश्किल है। कौन सा प्लेयर ज़्यादा आगे लगा है, क्या संजू सैमसन है या ईशान किशन है? फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट में अगर यही हमारे पास विकल्प है, हर्षदीप सिंह इस लाइनअप के अंदर नहीं है, वो इंग्लैंड के अंदर काउंटी क्रिकेट खेल रहे थे, मुझे लगा इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना चाहिए था, उनको इंक्लूड करके अगर भारतीय टीम के तेज गति के लाइनअप की तरफ देखेंगे तो मुकेश कुमार, मोहम्मद सिराज, शार्दुल ठाकुर ऑफकोर्स एज एन ऑलराउंडर खेलते हैं, प्लस हर्षदीप सिंह मुझे लगता है इस टीम के साथ जोड़ सकते हैं, तो क्या ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है और कौन सा कॉम्बिनेशन बैटिंग का भारतीय टीम आगे देखना चाहेगी? तो चलिए पहले मेरे 11 बता देती हूँ आपको, जो मुझे लगता है पहले वनडे इंटरनेशनल के लिए हो सकते हैं। दैट इज ऑफकोर्स रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, संजू सैमसन मेरे हिसाब से खेलेंगे विकेट कीपर के तौर पे, एंड बैटर ऑफकोर्स हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, युजवेंद्र चहल मेरे लिए लाइनअप के अंदर है, मुकेश कुमार और कुलदीप यादव के बीच में टॉसअप है डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस, उमरान मलिक एंड मोहम्मद सिराज, ये मुझे लगता है पहले 11 हो सकते हैं वेस्ट इंडीज के लिए। और ये चयन मैंने इसलिए किया है क्योंकि मुझे लगता है उमरान मलिक का वर्ल्ड कप से पहले परफेक्ट तरीके से एक बार अपॉर्चुनिटी उनको मिलनी चाहिए खेलने के लिए। मोहम्मद सिराज ऑफकोर्स ही इज बीन दी गो टू बॉलर ओवर द लास्ट 2-2.5 ईयर्स, सामने से मुकेश कुमार भी खेल सकते हैं और मैं चाहूंगी कि मुकेश कुमार खेले इंस्टेड ऑफ अनदर थर्ड स्पिनर, क्योंकि बिटवीन रविंद्र जडेजा एंड युजवेंद्र चहल दो स्पिन ऑप्शन बनते हैं, क्योंकि मुकेश कुमार को भी आपके पास देखने का मौका है, तो ये मेरे हिसाब से भारतीय टीम आसपास रह सकती है इस कॉम्बिनेशन के। अब वेस्ट इंडीज़ की तरफ नज़र डालते हैं, वेस्ट इंडीज़ के स्क्वाड पे नज़र डालेंगे तो बहुत सारे नाम जो हम सुनते आए जैसे निकोलस पूरन, वो इस लाइनअप के अंदर आपको नहीं दिखेंगे, जेसन होल्डर नहीं दिखेंगे, इनफैक्ट कीमो पॉल भी नहीं दिखेंगे क्योंकि वो इंजर्ड है, तो ये इस श्रृंखला में अवेलेबल नहीं है। शे होप कप्तान है, वो लीड करेंगे। एक अच्छी चीज़ है कि शिमरन हेटमायर वापस इस लाइनअप के अंदर आए हैं, वो क्वालिफायर्स के लिए पिक नहीं किए गए थे वेस्ट इंडीज सिलेक्टर्स द्वारा। ओशेन थॉमस अगेन पेस के लिए ही इज बीन एडेड बैक इनटू द स्क्वाड, सो फॉर मी जो जेडन सील्स हैं, जो ओशेन थॉमस एंड ऑफकोर्स अल्जारी जोसफ, ये 3 जो फास्ट बॉलर्स हैं, आई विल बी वेरी इंटरेस्टेड स्पेशली विद दीज 3 सीमर्स, अगर इकट्ठे खेल पाते हैं 11 के अंदर तो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। लेकिन जो बैटिंग है ना, वो क्लियरली रॉबन पावल, कायल मेयर्स पे डिपेंड करेगी, शे होप पे डिपेंड करेगी, अथनाज हमने देखा था टेस्ट मैच के अंदर उन्होंने अपना डेब्यू किया था, ही विल गेट अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू परफॉर्म एज वेल। सो विद सीनियर्स ये जो थोड़े बहुत पहले खेले हुए, इनके आसपास गेम रिवॉल्व करेगा। यकीनन जो विश्व कप ना पहुंचने का जो एक
ड्रॉबैक है या जो माइंडसेट रहेगा वो तो पीछे रखना पड़ेगा, क्योंकि इंडियन टीम स्ट्रांग है. सो बैटिंग एंड बॉलिंग वाइज दोनों इंडियन टीम लुक्स अ लॉट स्ट्रॉन्गर देन वेस्ट इंडीज. बस बारिश थोड़ी सी दूर रहनी चाहिए. थोड़ा फोरकास्ट है कि ब्रिजटाउन के अंदर बारिश आ सकती है. इनफैक्ट फर्स्ट एंड सेकेंड वनडे इंटरनेशनल्स दोनों के लिए मैं भी कवर कर रही होंगी दूरदर्शन स्पोर्ट्स के लिए. वहाँ पे जाऊँगी, मैच कवर करूँगी. प्री मिड पोस्ट मैच एनालिसिस पे आपको ज़रूर देखूँगी. अगर आप उठ के देखेंगे लेट नाइट तक तो ज़रूर आपको वहाँ देखेंगे. लेकिन मैं भी चाहूँगी मैच देखना, क्योंकि तभी मज़ा आता है ना. मैच देखेंगे आप और हम यहाँ बातें करेंगे, और तभी तो डिस्कस कर सकते थे कि भारतीय टीम कैसा कर रही है, कहाँ कर रही है, वरना कैसे पता चलेगा. सो लेट्स होप दैट द मैच हैपेंस एंड इट्स अ गुड गेम. ऑस्ट्रेलिया की टीम वुमेन्स की इंग्लैंड का दौरा करने के बाद अब आयरलैंड चली गई है, क्योंकि वहां पर तीन मैचेस आयरलैंड की टीम के साथ भी खेल रही है. पहला मैच तो बारिश के चलते रद्द हो गया था, वहां कुछ हो नहीं पाया. दूसरे मैच में थोड़ा सा परेशान जरूर हुई थी ऑस्ट्रेलिया, जब लगातार तालिया मेग्रा जो तीन विकेट्स इकट्ठे आउट हो गई थी, 58/3 थे 11वें ओवर के अंदर. आयरलैंड ने तंग किया था शुरुआत के अंदर, लेकिन उसके बाद एलिस पेरी, बाप रे बाप क्या तरीका है खेलने का. आप टेस्ट मैच, टी20, वनडे इंटरनेशनल उठा के देख लीजिए, एलिस पेरी हर बार आपको रन करती हुई नजर आएंगी, विकेट लेती हुई नजर आएंगी. नैटली सिवर ब्रंट एक तरफ और एलिस पेरी एक तरफ, दे हैव बीन आउटस्टैंडिंग इन इंटरनेशनल क्रिकेट. 91 रन फिर से बनाए थे. इनफैक्ट एशले गार्डनर तो फिनिशिंग टचेस देती हैं विद एन आउटस्टैंडिंग 65, बट जो बेथ मुनी और जो एलिस पेरी की पार्टनरशिप थी ना, वो 300+ जैसे आप रन बोर्ड पर डालेंगे तो आयरलैंड के लिए, चाहे भले अपने घर में खेल रहे हो, वो चेस करना मुश्किल पड़ेगा. हालांकि गैबी लुइस ने प्रदर्शन अच्छा ज़रूर किया था और उनके विकेट कीपर एमी हंटर ने भी रन्स किए थे, लेकिन ऑफकोर्स अगर आप 321 बोर्ड पे पहले ही डालेंगे तो उनके लिए मुश्किल है. हाउएवर ऑस्ट्रेलिया कंटिन्यूज टू डोमिनेट वर्ल्ड क्रिकेट. अभी बहुत ज़्यादा पीछे नहीं है इंडिया से. इंडिया ज़रूर अभी ICC वुमेन्स चैंपियनशिप जो है वो लीड कर रहा है क्योंकि ज़्यादा विन्स हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ज़्यादा पीछे नहीं. हो सकता है श्रृंखला खत्म होते होते तक या तो मैच कर जाए या आगे चले जाए. एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि क्या वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट यहाँ से उभर के आ सकता है या नहीं. आई थिंक वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट के लिए बहुत सारी चीज़ें सही होनी ज़रूरी हैं. ये एक अपॉर्चुनिटी है श्रृंखला में, जो यंगर प्लेयर्स हैं, जो फ्यूचर है वेस्ट इंडीज़ का, जो हम समझते हैं फ्यूचर है, क्योंकि बहुत सारे डोमेस्टिक क्रिकेट हम यहाँ बैठ के नहीं देख सकते, फॉलो कर सकते. CPL के अंदर कुछ अच्छे खिलाड़ी निकल कर आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी है टू, अब जैसे ऑलमोस्ट द हाउस इज डाउन एंड आउट, वेस्ट इंडीज इज नॉट अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कप, यहाँ से रीबिल्डिंग फेज, यहाँ से गेट स्टार्टेड अगेन. वेस्ट इंडीज क्रिकेट विश्व कप भी जीता है, इतना डोमिनेंट रहा है, तो ये सिचुएशन किसी भी कंट्री के लिए आ सकती है, लेकिन ये एक अपॉर्चुनिटी है और मुझे लगता है ये श्रृंखला के स्टार्ट होने से ही वो अपॉर्चुनिटी वेस्ट इंडीज क्रिकेट ले सकता है. कम से कम आई एम होपिंग, बिकॉज कैरेबियन फ्लेवर तो क्रिकेट के अंदर रहना ही चाहिए. मज़ा आता है जब ये खिलाड़ी अच्छा करते हैं. क्या डिफरेंट स्ट्रोक्स के अंदर एक और एपिसोड बहुत जल्द आने वाला है, और ये खिलाड़ी, फॉर्मर खिलाड़ी कौन है, नाम तो मैं नहीं बताऊंगी, वो तो आपको खुद जानना पड़ेगा क्योंकि फ्राइडे को हमारा एपिसोड आएगा. लेकिन उसके पहले थोड़ी सी झलकियाँ ज़रूर दिखा देंगे. हल्का सा बता देती हूँ, लेफ्ट आर्म स्पिनर भी हैं, लेफ्ट हैंडर बैटर भी हैं, और बहुत सारे रोल्स अभी हाल ही के अंदर भी निभा रहे हैं. कौन है ये, वो जानने के लिए आपको डिफरेंट स्ट्रोक्स पे ट्यून्ड इन रहना पड़ेगा. सब्सक्राइब करेंगे तो और भी बढ़िया, पता ही चल जाएगा ना कि क्या आ रहा है, कब आ रहा है और कितने बजे आ रहा है आपके लिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग डिफरेंट स्ट्रोक्स.